आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल होने के ऊपर कराची की आवाम को खास तौर पर बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन पिछले 3 साल में कराची के शहर के लिए क्या क्या काम किए। जाहिर है ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध गवर्नमेंट के थे, क्योंकि वो नाकाम हुए, फेल हुए, सो फाइनली वो सारे काम हमने मुकम्मल कराए। जैसे कि नॉर्थ नाजमाबाद में 6 बहुत बड़े फ्लाईओवर्स बनाए गए, निश्तर रोड बनाया गया 6.3 किलोमीटर्स का, नेपियर रोड बनाया गया 6.4 किलोमीटर्स का, मंगोपी रोड आधा मुकम्मल हो गया, आधा रह गया जिसके ऊपर बहुत तेजी से काम जारी है, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बनाया। फैक्ट्रीज में घरों में आग लग जाती थी, जल के राख हो जाती थी, यहां पे फायर ब्रिगेड्स नहीं थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 52 फायर ब्रिगेड्स कराची शहर को तोहफे में दी। उसके साथ साथ कराची के अंदर बारिश होती थी, शहर डूब जाता था। शहर के 3 बड़े नाले, गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, उसके साथ साथ औरंगी नाला, इनकी सफाई, यहां पे इनक्रोचर्स की रीसेटलमेंट, उसके साथ साथ 31 किलोमीटर का रोड, और उसके साथ साथ इसके एतराफ के दीवारें खड़ी करना ताकि फिर कचरा ना फेंका जाए, और उसके साथ साथ नालों को साफ करना, ये बेड़ा तहरीक इंसाफ ने उठाया। पिछले दिनों बारिश हुई, आपने देखा कि शहर नहीं डूबा, लेकिन उसके साथ साथ जो 500 केएमसी के अंदरूनी नाले और 31 केएमसी के जो नाले थे वो साफ होने थे, वो अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं करे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कराची शहर के अंदर इस वक्त जो ग्रीन लाइन मुकम्मल होने जा रही है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, नेक्स्ट मंथ उसका लॉन्च है ग्रीन लाइन का। बसेस बहुत जल्द जो है पहुंचने वाली है कराची के साहिल के करीब ही, इंशाल्लाह ताला जल्द उसकी डिलीवरी हो जाएगी। कराची शहर के अंदर हमेशा से पानी का मसला रहा है। सो K4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, 13 साल में 25 अरब रुपए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने खर्च किया और उसके बाद बताया कि उसका डिजाइन गलत बन गया है, लिहाजा अब हम उस प्रोजेक्ट को भी K4 को हम खुद मुकम्मल करा रहे हैं। बहुत बड़ा काम है। कराची का ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, हैवी ट्रैफिक होती है, उसको सॉल्व करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर मुकम्मल होने वाला है। KPT से पिपरी तक जितनी भी जो हमारे प्रोविंस से बाहर जानी है हैवी ट्रैफिक कंटेनर्स, वो सब अंदर ही अंदर से सारे जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ये मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम है। KCR आपके सामने है, KCR जो है वजीर आजम साहब कुछ दिन में कराची आने वाले हैं, कुछ काम हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत रह गया है, ये भी कराची शहर के लिए वजीर आजम साहब ने किया है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे काम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अरबों रुपए देने के बावजूद भी करे तो सूबाई हुकूमत का फायदा क्या। आखिर के अंदर पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर कराची शहर की जितनी भी गलियां बनी हैं, जितने पार्क्स बने हैं, जितने स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, मुरम्मत हुई है, स्विवेज की लाइन, पानी की लाइन, ये PTI के कराची के MNAs और MPAs ने काम कराया है। अब 12 तारीख को 2 दिन बाद कराची में इलेक्शंस हैं कैंटोनमेंट के। मैं कराची के जितने भी कैंटोनमेंट्स की रिहायशी हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने डिलीवर किया है, क्योंकि इमरान खान ने डिलीवर किया है, आप तहरीक इंसाफ का साथ दीजिए और 12 तारीख के कैंटोनमेंट के इलेक्शंस में PTI को कामयाब कराइए।